इंदौर पुलिस इन दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मंगलवार की रात को एक बार पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इंदौर में 8 जनवरी से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन और उसके बाद इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इन दो प्रमुख आयोजनों में दुनिया भर के 80 देशों के 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय और नामी उद्योगपति शिरकत करेंगे। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इसी को लेकर मंगलवार की शाम को एडिशनल DCP जयवीर भदौरिया, ACP आशीष पटेल, थाना प्रभारी और पुलिस आरक्षकों के साथ आजाद नगर थाना क्षेत्र में भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। एक्सटेंशन बाइट व्यू। फिलहाल पुलिस को सड़क पर देखकर जहां बदमाशों में खलबली मच गई, वहीं पुलिस द्वारा लिस्टेड बदमाशों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये आज आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा सभी को निर्देश दिए गए थे, उसी के तारतम्य में आदरणीय DCP अमित तोरानी सर और एडिशनल DCP साहब के निर्देशन में हमने आजाद नगर क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला है। संपूर्ण आजाद नगर क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है। इसमें सुनसान गलियां और जहां अपराध होने की संभावना हो सकती है, जहां चेन स्नैचिंग, मोबाइल खींचने वाले इस टाइप के अपराधी तत्व मिल सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने पैदल भ्रमण किया। ये कंपनी हमको मंडला से मिली है, इसके साथ हम लोगों ने आज पैदल मार्च किया है। सर कितना फोर्स के साथ निकले? ये आज हम तकरीबन 50 के बल के साथ में निकले हैं पैदल मार्च करने के लिए। हम पूछताछ कर रहे हैं रास्ते में, जहां हमको ऐसा लग रहा है किस प्रकार के संदिग्ध प्रकार के लोग हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, उनको हम घर रवाना कर रहे हैं। इस टाइप के लोग हाँ मुसाखेड़ी क्षेत्र में निकला है, आजाद नगर क्षेत्र में निकला है, मदीना नगर, नूरानी नगर, इन तमाम क्षेत्रों में पैदल मार्च हमारे द्वारा किया गया है। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।